Good morning, children. Today we shall discuss a new story chapter, that was Whose Horse Was It? एवं तुमने देखी पार बहिटी स्टोरीज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट तार फर्स्ट लेसन आज आम पढ़वा एवं बिफोर गोइंग टू द टॉपिक स्टोरी विषय तुमने जानुच प्रति थर गोटे गोटे वीडियो क्लिप्स देखा जाए एवं से गोटे से स्टोरी टार एक्जाक्टली गोटे वीडियो क्लिप्स कलेक्ट करी भावुच वीडियो क्लिप्स तुम भल लगे एवं तुम किसी परिमाण बुझीपार Let us go to the video clips. प्रणाम, मैं राज चौहान। मैं आगरा जा रहा हूं। क्यों ना हम दोनों मिलकर यह सफर पूरा करें? चलो चलो बैठो मेरे घोड़े पर। शुक्रिया। मेरा नाम रवि शर्मा, मैं कानपुर के एक व्यापारी के यहाँ नौकर हूँ। मुझे रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया, उन्होंने मुझे मारा भी और मेरा घोड़ा भी वो चुरा कर ले गए। उनके साथ मैंने थोड़ी हाथापाई की, उसी में मेरा पैर जख्मी हो गया, इसीलिए मैं लड़खड़ा रहा हूँ। मैं आगरा जा रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर यह सफर पूरा करें? चलो चलो बैठो मेरे घोड़े पर। धन्यवाद महाराज, सच आप बहुत दयालु हैं। चलो आखिर हम पहुंच ही गए आगरा। चलो भाई अब मुझे यहीं रुकना है, फिर कभी मिलेंगे। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं यहीं पे रुकने वाला हूं। अब तुम घोड़े से नीचे उतरो। मैं क्यों उतरूं? ये घोड़ा तो मेरा है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। क्या नालायक, एहसान फरामोश, चुपचाप घोड़े से उतर जाओ नीचे, नहीं तो मैं नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें अब सबक सिखाना ही होगा। अरे छोड़ो, मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, नीचे, आ जाओ। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। ऐसा मत करो भाई, रुक जाओ, मारपीट से कोई हल नहीं निकलेगा। उससे बेहतर आप बीरबल जी से मिलिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। हाँ मुझे मंजूर है, चलो हम दरबार में जाकर इस मसले को सुलझाते हैं। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। इसके बाद कुछ भी हो, मैं किसी भी राह चले आदमी की मदद नहीं करूँगा। ये आदमी व्यापारी तो नहीं लगता, ये तो किसी राजघराने से लगता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। चलो इस बहाने बीरबल की चतुराई आजमाने का वक्त आ ही गया। ठीक है ठीक है, मैंने दोनों की बात सुन ली। अब आप वापस जाओ और इस घोड़े को आज यहीं पर रहने दो। सवेरे जो इस घोड़े का असली मालिक है वो तबेले जाकर इस घोड़े को ले जा सकता है। माफ करिएगा अपना, लेकिन एक दूत आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसे कल सवेरे आने के लिए कहा, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसे आपको अभी के अभी मिलना है। भेज दो उसे,
कुछ जरूरी काम होगा शायद। जी जहां हाँ, तो अब हमें घोड़े का असली मालिक ढूंढना है। आप दोनों उस घोड़े के मालिक होने का दावा करते हो, तो फिर आप दोनों तबेले में जाके अपना घोड़ा ढूंढ लो और ले जाओ। रवि, आप पहले जाइए। हाँ, पर हमारे कुछ सैनिक आपके साथ रहेंगे। मैं झट से घोड़ा ढूंढ लूंगा। तबेले में ऐसे कितने घोड़े होंगे? जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्द अपना घोड़ा पहचान लो और हाँ, यहाँ मत रुको। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने घोड़े को पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर फोकट में हमारा समय क्यों गवा रहे हो? चलो दूसरे आदमी को आने दो, चलो बाहर। चलिए, अब आपकी बारी है राज चौहान। राजा, कैसे हो तुम? चल घर चलते हैं, हमें लगता है अब सफर बहुत हो चुका। राज चौहान जी, आप ही इस घोड़े के सही मालिक हो, और रवि शर्मा जी, आपने इनके एहसान का ये सिला दिया। झूठे चोर बदमाश, सैनिकों ले जाओ इसे और इसे इसके किए की अच्छी सजा दो। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रुकिए महाराज, आप इतने जल्दी कैसे जा सकते हैं? आपने हमें महाराज कहा? महाराज, हमें सब पता है, आप त्रिपुरा के राजा चंद्रवर्मा हो। हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। कितनी काटी दला? पिला माने वीडियो टी को देखिला एवं एटा अकबर एवं बीरबल स्टोरी थिला। सही भले स्टोरी तुम बहिरे अच्छी फर्स्ट लेसन हुज हार्स वाज इट, से स्टोरी विषय आम वर्तमान आलोचना करिबा। वन डे यंग मैन वाज गोइंग टू द टाउन। इन द मेन गेट ऑफ द टाउन ही मेट ए बेगर, एंड द बेगर आस्क द यंग मैन, ओ यंग मैन प्लीज टेक मी टू द मार्केट प्लेस। से यंग मैन को रिक्वेस्ट कला, ओ यंग मैन मत मार्केट प्लेस को नहीं चल। तो यंग मैन सो गाइन, यंग मैन टी बहुत दयालु लोक थिला, एंड ही टुक द बेगर इन इज हार्स टू द मार्केट प्लेस। व्हेन दे रीच द मार्केट प्लेस, जिते बड़े यंग मैन आउ बेगर मार्केट प्लेस को पहुंचले, द यंग मैन टोल द बेगर टू गेट अप फ्रॉम हिज हॉर्स। आउ गोटे कथा, से जो बेगर टी गोटे लेम मैन थिला, लेम मैन गोटे छोटा लोक थिला। जेते बड़े यंग मैन कहिला, तुम्हें एबे मार्केट प्लेस आसिला, यू गेट अप फ्रॉम माय हॉर्स। बट द बेगर टोल्ड द यंग मैन
ओ यंग मैन, दैट इज नॉट योर्स, दैट इज माई हॉर्स, यू गट अप फ्रॉम माई हॉर्स। तुम मत कौन ओल्लवाई कौच, एटा मोर घोड़ा, तुम्हें ओल्लै जाओ। यंग मैन वाज एस्टोनिस्ट, सरप्राइज, आश्चर्य हला इमी तर बिहेवियर देखिकी। सो ही अगेन टोल्ड द बेगर, ओ बेगर आई हेल्प, मु तुमको सहाय्य कली, ना यू गट अप फ्रॉम माय हॉर्स। द बेगर और द लेम मैन अगेन टोल्ड रियूडली, पूरा कर्कश भाव रे कहिला, नो नो इट इज माय हॉर्स, यू गट अप फ्रॉम माय हॉर्स, इफ यू डू नॉट गेट अप फ्रॉम माय हॉर्स आई विल गो टू द किंग्स ऑफिसर। हु सेड, द बेगर सेड, जदि तुम घोड़ न ओब मु किंग्स ऑफिसर पाक जीवी, एटा मोर घोड़ा। आर दैट टाइम द बेगर एंड द यंग मैन दे क्वारल टू इच अदर, से परस्पर झगड़ा लगिले, हुज हॉर्स वाज इट, एटा कहार घोड़ा बोली। देन व्हाट हैपेंड, दे मेड ए किंग्स ऑफिसर, से माने किंग्स ऑफिसर को भेटिले एंड दे टोल्ड देयर देयर मैटर, से मानकर मैटर को किंग ऑफिसर को कहिले। व्हाट दे टोल्ड, कौन कहिले, द यंग मैन टोल्ड दैट सर आई व्हाइल आई वाज कमिंग टू द मार्केट ऑन द मेन गेट ऑफ द टाउन आई मेट दैट बेगर एंड ही वाज लेम मैन, गोटे छोटा लोक थिला एंड ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक हिज हॉर्स, टेक इन माई हॉर्स, से मतलब रिक्वेस्ट कला मो घोड़ा को नहीं जाओ। आई ऑल्सो हेल्प हिम एंड टूक हिम टू माई हॉर्स, बट नाउ व्वेन आई रिच द मार्केट प्लेस, जिते मार्केट प्लेस पहुँचिली, बर्तमान से लेम मैन और बेगर कहूँ ए घोड़ाटा तार बोली। एंड द ऑफिसर ऑल्सो आक्स द बेगर, ऑफिसर बेगर को पचारे तुमर किसी कहार अच्छी, the beggar told sir it was my horse, the horse was mine, eta more hai, as I was a lame man, jehetu mu gote lengda chota loko I cannot walk well, mu thik bhabare chali ni pare, sethi lagi for that I bought that horse to go anywhere else, kwad jiba pai mu gote ghoda te rakhichi। So the king's officer did not decide the matter, they did not think who was the real culprit, kiye doshi prakrutare, and who was the owner of the horse, kiye prakrutare ghodar owner au kiye prakrutare doshi, se man jani parle nahi ebang decide madhyam kari parle nahi। At that time the young man was very clever, young man requested the king's officer, sir give me a chance I will say something, mato gote chance diya jau mu kichi kahiba pai। Again okay, the king's officer told okay, immediately the young man took off his turban, se mundare gote pagadi banthila turban, से पगड़ी की खोली की ही कवर द हॉर्स फेस, संगे संगे से पगड़ी टा खोली की घोड़ार मुहरे बांधी देला। आफ्टर कवर द हॉर्स फेस ही आस्क्ड द बेगर ए क्वेश्चन, बेगर को गोटे क्वेश्चन पचारा, ओ बेगर टोल्ड मी Which eyes of the horse blind? माने घोड़ा रो क्यों आखी ता blind अच्छी? Which eyes of the horse is blind? हेतु the beggar did not tell the right answer। तुम जानी जो beggar ठीक answer दे नहीं पाला, because the beggar told left, the
द बेगर टोल राइट अगेन लेफ्ट एपरि भाव थे लेफ्ट कहला थे लाइट आए कहला थे लेफ्ट आए कहला एंड द यंग मैन टोल द ऑफिसर ओ ऑफिसर माई हॉर्स आईज आर क्लियर वेल नो एक्चुअली हिज लेफ्ट आई और राइट आईज आर वेल नॉट नाइदर वन ऑफ हिज आईज आर ब्लाइंड गोटे भी आखि तार ब्लाइंड नुहे दुईटा आखि ठीक अच्छे एंड प्लीज ओपन द टर्बन अनकवर द टर्बन फ्रॉम किंग्स हॉर्स फेस से हॉर्स र मुहरु से टर्बन टी खोलंतु एंड द किंग्स ऑफिसर अनकवर्ड द टर्बन फ्रॉम द और क्लॉथेस फ्रॉम द हॉर्स फेस जेतेबेले ता मुहर खोली देले द आईज वेयर वेल एंड दे न्यू दैट The thief. Who was the thief? Kids chora. The beggar was the real thief. And the young man was the real owner of the horse. And story re jemti dekhi dila. Se ghoda kutu ku chini parla nahi. Lame man ta chini parla nahi ta nije ghoda ku. Kintu the owner se nije chini parla. Just like ethi ei jo story re madhya. The young man was the real owner of the horse. कारण actually the young man helped the beggar and the beggar wanted to cheat the horse. से cheat the young man. Young man को cheating करवा लगी चेष्टा करुथला. So that the king officer put the into the prison. से ताको prison को नहीं गले बंदी बने देले बिकॉज ही वाज द रियल थीफ. ओके वर्तमान आमे क्वेश्चन आंसर सेशन को जीवा कंप्रेंशन क्वेश्चन केते गुडी अछि जो विषय डिस्कशन कली पिला माने से विषय ऊपर आमे क्वेश्चन आंसर केते गुडी डिस्कशन करिबा. ओके लेट्स गो टू द क्वेश्चन. देख पिला माने प्रथम क्वेश्चन अछि Who was going to the town? Kye town ko gala? The answer hava, the young man was going to the town. Who did he see at the town gate? So town gate pakare kaha ko dekhila? He saw, did achi tanu saw hava, he saw a beggar at the town gate. What did the beggar ask for? Beggar ta kon pacharla? The beggar asked for to take him to the market place. Beggar tak pacharla matlab market place tak nama pai. What did the young man do? Young man kon gala taku nella ki nahi? The young man took the beggar. Why? Kanje nella? It you question is because the beggar was a lame man, good langda lokothila. What did he ask the beggar to do at the market? Market re beggar young man ko kon kahila? He asked the beggar to get up from his horse at the market. Ghodaru utri jiba pai. बेगर कहा कोइला यंग मैन को कोइला उल्टा नहीं व्हाट डिड ही आस्क द बेगर टू एट द मार्केट प्लेस एंड यंग मैन आसो द यंग मैन और ही आस्क द बेगर टू गेट अप एट द टू गेट अप फ्रॉम हिज हॉर्स एट द मार्केट प्लेस व्हाट डिड बेगर से बेगर कौन कोइला द बेगर सेड दैट यू गॉट फ्रॉम द हॉर्स Whom did they go to settle their quarrel?
तांकर जो झगड़ा लगी थिला से झगड़ा टाकु सेटल करिवा पई समाने कहा पाखु गले दे वेंट हव दे वेंट टू सेटल देयर क्वारेल टू द किंग्स ऑफिसर्स नेक्स्ट को जीवा देखो आठ नंबर हु लिसन टू देयर कंप्लेन समानकर कंप्लेन किए सुनिले द किंग्स ऑफिसर लिसन टू देयर कंप्लेन पाडिर द बेगर से बेगर कौन कहला किंग ऑफिसर मानको द बेगर सेड दैट एज ही वाज ए लेम मैन ही कुड नॉट वॉक वेल सो ही बॉट दिस हॉर्स फॉर हिम कुड द ऑफिसर डिसाइड देयर केस पिला माने ऑफिसर सेमानकर केस को डिसाइड करी पारले कि ना नो द ऑफिसर कुड नॉट डिसाइड देयर केस 11. What did the young man do with his turban? So young man ta turban ne kon kala? Turban ta khuli dala, khuli ki ghodar muhare bandhila. Kon lekhiba? The young man took off his turban and covered in her face. What did he ask the beggar? Kon se beggar ko pachala test kariba pai? He asked the beggar which eyes of the horse was blind. Ghodar ken akta ken akita blind boli pacharla. 13 kujiba. Could the beggar answer his question? Beggar answer the lucky. No. The beggar could not देखो पिला माने सही तरह उत्तर अछि नो द बेगर could not answer his question properly ठीक भाव रे देला नै why काहे देला नै तुम मन जानि छ because he was not the real owner of the horse से horse real owner नथिला what did the young man say The young man said that his horse two eyes were well. Young man koila ta ghodara dui tanga akhi pura bhalo achi. What did the officer do to find the truth? Last question. Officer mane satya janiba pai kon kale? The officer what? Uncover the clothes or open the clothes from horse face. So, माने घोड़ा रा मुहरु से clothes टाकु काढ़िले and they saw that the horse eyes were well. तो मैं आंसर में लिखिबा the officer opened the clothes from horse face. To find the truth. Okay? Ebe ame out activity ku jiba. Dekho, pila mane. Eti lekha aichi, choose the correct alternatives and fill in the blanks. Eta tamar gote thae. First, the young man saw dash near the town gate. Ek number, a priest, दुई नंबर ए बेगर तीन नंबर ए ग्रोसर चार नंबर ए ग्रीन ग्रोसर पिला माने उत्तर हब ए बेगर दुई नंबर को जीवा द बेगर टोल्ड नॉट टू डैश बेगर कौन कहला कौन करी न करिवा पई कहला गेट अप द हॉर्स गो टू द किंग Get down at the marketplace. Speak to the young man. The beggar told not to get off the horse. Beggar kaila mu ghodaru ulevi nahi.
द यंग मैन एंड द बेगर मेट डैश कहा को भेटिले एक नंबर द किंग दुई नंबर द मिनिस्टर तीन नंबर द गेट कीपर चार नंबर द किंग्स ऑफिसर हला ऑफिस है सेटा ऑफिसर हो एटा हम किंग्स ऑफिसर द किंग्स ऑफिसर द हॉर्स वाज डैश हॉर्सटा केमती थिला तार आखिटा एक नंबर ब्लाइंड इन राइट आई दुई नंबर ब्लाइंड इन लेफ्ट आई ब्लाइंड इन बोथ द आईज नॉट ब्लाइंड एट ऑल आदो ब्लाइंड नथिला उत्तर हब चार नंबर नॉट ब्लाइंड एट ऑल लास्ट क्वेश्चन हु वाज क्लेवर एक नंबर द किंग्स ऑफिसर दुई नंबर द किंग्स मैन तीन नंबर द बेगर चार नंबर द किंग मन पिला मन जानिच हु वाज क्लेवर द यंग मैन वाज क्लेवर ठीक अछि पिला माने क्वेश्चन आंसर देखिला एवं हमें डिस्कशन कलु मु भावु छी क्वेश्चन आंसर गुड़ी को तमे वीडियो टी देखला समय रे ताको कॉपी रे लेखिबो मध्य प्रैक्टिस करिबो एवं बिफोर गोइंग टू द वीडियो टी की देख सला परे ए टॉपिक को तुमे साइलेंट द्विथर रीडिंग करिबो ताहले क्वेश्चन आंसर विषय रे कॉम्प्रेंशन क्वेश्चन विषय रे आउ टिके भल भाव रे जानि परिबो एतर छोटो छोटो एसजीपी 1 2 3 देची मु एकाथरे तीनटांक एसजीपी 1 2 3 गोटे थरे डिस्कशन करि देली तम माने एटा को बारंबार सुनिबो एवं क्वेश्चन आंसर को कॉपी रे लेखिबो खाली गोटे कथा जानिता जदी तुमको जे पचरा जाए व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए गपुरु हमें कौन सीखिले मोरल ऑफ द स्टोरी कौन मोरल होची डोंट चीट अदर्स केबे भी कहा को ठकिबो नाही हु हेल्प टू जे तुमको सहाय्य करुचंती तंके बे ठकिबो नै कारण जदि तुमे ठकिबो ताहले तुमको आउ सहाय्य कइ करिबे नै तनो ऑलवेज टू हेल्प अदर्स डोंट चीट अदर्स सब बोले अन्य को सहाय्य करिया पें चेष्टा करो डोंट चीट अदर्स काहा को ठकिबा पें चेष्टा करो नै तनो भावुची गपटी स्टोरी टा निश्चित तुमको भल लागिथिबो एवं घरे ताकु रहिकि प्रैक्टिस करिबो।